बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था और हमेशा कड़ी मेहनत करता था। प्रत्येक दिन वह पास के जंगल में पेड़ काटने चले जाता। जंगल से पेड़ काटने के बाद वह लकड़हारा अपने घर लाता और सौदागर को बेच देता, जिससे वह काफी अच्छा पैसा कमाता था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और वह गहरी नदी में जा गिरी। वह नदी बहुत गहरी थी, इसलिए वह खुद उस कुल्हाड़ी को नहीं निकाल सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी जो अब नदी में खो चुकी थी। वह यह सोचकर बहुत ही दुखी हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था, इसलिए भगवान ने उसकी बात सुनी और उसके पास आकर पूछा, पुत्र क्या समस्या हो गई? लकड़हारे ने अपनी सारी बात भगवान को बताई और अपनी कुल्हाड़ी लौटाने के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने अपना हाथ उठाकर गहरे नदी में डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा और बोला, नहीं। भगवान ने अपना हाथ दोबारा पानी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली जो सोने की बनी हुई थी। भगवान ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को अच्छी तरह देखा और बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे ध्यान से देखो मेरे पुत्र, यह सोने की कुल्हाड़ी है जो बहुत कीमती है। लकड़हारा बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं काट सकता, ये मेरे किसी काम की नहीं है। भगवान ने यह देखकर खुश हुए और अपना हाथ फिर से गहरी नदी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली। ये कुल्हाड़ी लोहे की थी और भगवान ने लकड़हारे से पूछा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा कुल्हाड़ी देखकर बोला, जी हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। आपका धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दे दी, साथ में उसे दो कुल्हाड़ी उसकी ईमानदारी के लिए इनाम में भी दी।